मिर्ची एफएम इज नंबर 1 इन सिंगापुर। और किसके सुनिए यार, हमारे एक सच्चा साथी है मिर्ची एफएम लंबा साथी। आई लव मिर्ची एफएम, इट्स सो हॉट। देखिए मैं लाल लाल खाए में हाय हाय टंगी टंगी तौबा में मिर्ची एफएम इज हॉट। हियर एट रग्बी टाउन सिंगापुर लव लिसनिंग टू मिर्ची एफएम। मिर्ची एफएम इट्स हॉट। मिर्ची एफएम इज नंबर 1 इन सुबा, इट्स हॉट। हम वहींगली लंबासा में रहता है तो के का बताए, हम मिर्ची एफएम सुनता है। मिर्ची एफएम बहुत जुलुम जुलुम। मिर्ची एफएम इट्स हॉट। समाचार दर्शन पर आप सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। प्रधानमंत्री वोरेंगे बैनिमा रामा आज नांदी और सिंगाटोका के दौरे पर थे, जहां वे अपने फेस्ट फिजी पार्टी के लिए लोगों से हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर इकट्ठा कर रहे थे। इन हस्ताक्षरों को फिजी फेस्ट को रजिस्टर कराने के लिए ज़रूरी हैं। लोगों की ओर से प्रधानमंत्री को उनकी पार्टी के लिए काफ़ी समर्थन मिला है। बैनिमा रामा का स्वागत पारंपरिक संस्कार के तौर पर यानी ट्रेडिशनल वेलकम सेरेमनी के साथ किया गया था। एबीसी न्यूज से बातें करते हुए बैनिमा रामा ने बताया कि वे 5,000 से ज्यादा हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर्स बटोर चुके हैं। अटोर्नी जनरल के दफ्तर के अनुसार गैर सरकारी संस्थाओं यानी एनजीओस को किसी भी प्रकार के वोटर एजुकेशन प्रोग्रामों को करने के लिए इलेक्ट्रल कमीशन से स्वीकृति लेनी पड़ेगी। इलेक्ट्रल रेगुलेशन सेक्शन 115 के तहत कोई भी व्यक्ति या संस्था यानी ऑर्गेनाइजेशन कमीशन को जानकारी दिए बिना लोगों को सिखाना या किसी प्रकार की सभा में भाग लेनी चाहिए और ना किसी जानकारी को प्रकाशित करनी पड़ेगी। अटोर्नी जनरल एस सैयद कयूम का कहना है कि इसका मतलब नहीं है कि इन गैर सरकारी संस्थाओं अपना काम बंद करना होगा, लेकिन उनको सिर्फ वोटर एजुकेशन प्रोग्राम के लिए केवल सभी प्रणालियों का पालन करना पड़ेगा। ये आदेश फिजी वुमेन्स क्राइसिस सेंटर, सिटीजन्स कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम तथा फिजी वुमेन्स राइट्स मूवमेंट के सदस्यों को एजी द्वारा दिया गया है। आज दिन में कई लोग भारी संख्या में रामनवमी का पर्व मनाए हैं। 9 दिन के पूजा पाठ के बाद लोगों ने ये त्यौहार खुशियां से मनाए हैं। आज के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्मदिन के लिए दुनिया भर मनाया जाता है। और खेलकूद में टेलीकॉम फिजियाना टीम आज सुबह फिजी पहुंची। टीम ने चाइना सेवन्स में एक सुनहरा खेल दिखाया। टीम ने इस टूर्नामेंट को चौथे स्थान पर समाप्त किया और आज दिन में प्रधानमंत्री उनका आवभगत करने के लिए नांदी एयरपोर्ट में खुद जाकर उनसे मुलाकात की। और ये थे आज के मुख्य समाचार। कल हमारी मुलाकात फिर होगी, तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज। बात तो बाहे बा में रेडियो फिजी 2 के कौन सा के रोके ऑनलाइन क्लियर। रेडियो फिजी 2 रग रगी के लोग ज्यादा सुनते हैं। नैंडी में हम सबकी पसंद रेडियो फिजी 2। पहले वो के लोग रेडियो फिजी 2 सबसे ज्यादा सुन रहे हैं। मेरी पसंद रेडियो फिजी 2, रसोई में सभी को पसंद रेडियो फिजी 2, तावा में रेडियो फिजी 2 सभी को सुनते हैं। रेडियो फिजी 2 आई लव यू। देश की धड़कन रेडियो फिजी 2।